इजिप्ट में भाषण देने के बाद वो बड़े व्याकुल घूम रहे थे, इधर उधर उधर उधर, बहुत व्याकुल थे। अचानक अपने ऑर्गेनाइजर से बोलते हैं, मुझे हिंदुस्तान जाना है। सब लोग बड़े चौंक गए, अचानक क्यों, अचानक क्या ऐसी बात है? नहीं, मुझे जाना है। समझ में नहीं आया, मैंने कहा ना दिव्य पुरुषों की बात समझ में ना आए तो उपहास मत उड़ाइए, चुप हो जाइए, समझने की कोशिश कीजिए या पूछ लीजिए, क्योंकि दिव्यता यदि आपके पास नहीं है तो दिव्य को समझ नहीं सकते। वो विद्वान लोग थे, चुप रह गए। अगले दिन फिर मंच पे उन्होंने कहा, मैं जाना चाहता हूं। क्यों? इतने में वो भाषण देना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा, सोचिए, बहुत पहले मैं रामकृष्ण जी से मजाक करता था कि मैं 40 का होकर मरना पसंद नहीं करूंगा, मैं 40 का नहीं होना चाहता। सुनिए बातें, ये रिकॉर्डेड है। मुझे 40s में आना अच्छा नहीं लगता, बूढ़ा सा लगता हूं। और उसके बाद क्या बोले, इजिप्ट में मंच से बोलते हैं कि 4 जुलाई 1902 को मैं मर जाऊंगा, और मैं अपने देश की धरती पर मरना चाहता हूं और अपने गुरु भाइयों के साथ मरना चाहता हूं, इसलिए मुझे जाने दो। इतनी बड़ी बात आप उम्मीद कर सकते हैं? यह कोई योगी कर सकता है, क्योंकि योगी के लिए मृत्यु आह्लाद का दिन है, क्योंकि अब वो उसके पास जाएगा जिसकी गोदी में वह लेटता सोता बैठता खाता था, जो उसके माता पिता सखा सब कुछ है, जिनसे छिटक कर वह सब में यहां आया था, अब उनके पास जाएगा। ये उसके लिए खुशी का समय है। हम उस चीज को नहीं समझते तो हम रोते हैं। ये तो दुनिया का सबसे अच्छा, जीवन का सबसे उत्तम दिन होता है जब हम मरते हैं। यह तो कष्ट भोग रहे हैं, ये तो ऑफिस है मेरे लिए, काम करने आया हुआ हूं बस, ठहरना तो वहां होगा। चल दिए साहब, लोगों ने फटाफट भिजवाया उनको, कलकत्ता आ जाते हैं, यूरोप भागते हुए, इजिप्ट से सीधे पहुंचते हैं मठ, रात में पहुंचते हैं, किसी को बताया भी नहीं था मैं आने वाला हूं, गेट वेट सब बंद हो गया था, खैर किसी तरह से गेट खुला, लोगों ने इन्हें देखा, सब चौंक गए, खूब उत्सव हुआ, क्योंकि सब नरेंद्र को, स्वामी विवेकानंद को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने अपने लिए जीवन में कुछ नहीं किया, सब लोगों के लिए किया, तो एकदम आह्लाद हो गया उन्हें देखकर, ऐसा मतलब जैसे बसंत ऋतु आ गई और राग बसंत सब जगह फैल गया, ऐसा उत्सव सा हो गया। अब स्वामी जी को तो पता था अब क्या होने वाला है, अब मेरे लिए कुछ चीजें कहना बहुत मुश्किल होगा। खैर, उनके एक डॉक्टर सखा, एक बहुत बड़े बंगाली राइटर शंकर थे, वो कहते थे 39 साल की उम्र में उस व्यक्ति को 31 रोग हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, उनसे मजाक में कहते थे शरीरम व्याधि मंदिरम, तुम्हारे शरीर में 31 व्याधियां हैं, डायबिटीज, मलेरिया, एस्थमा, जिसकी वजह से बंगाल रुक नहीं पाते थे, भयंकर खांसी उनके गले में होती थी, खांसते खांसते सड़क पर लौटने लगते थे, माइग्रेन था उन्हें, हार्ट की प्रॉब्लम धीरे धीरे उनको बढ़ती चली जा रही थी, और देश की चिंता में स्वामी जी इतने डूबे रहते थे कि उन्हें अनिद्रा का रोग हो गया था। हम, मेरे पास धन आएगा कि नहीं रहेगा, बच्चे का ये होगा कि नहीं होगा, इसके कारण अनिद्रा का रोग लगा बैठते हैं। अनिद्रा स्वामी को भी हुई, लेकिन उसको इसलिए हुई कि मेरे देश का क्या होगा, इसलिए वो नहीं सोता था। साराबुल जी को
जिन्हें वो धीरा माता जी कहते थे, साराबुल को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है, बरसों से नहीं सोया हूं, नींद नहीं आती और अब इच्छा ये होती है समुद्र की गहराइयों में चला जाऊं, सो जाऊं। समाज में देशभक्त बहुत कम है। आजादी के तराने गाना तो बहुत आसान है, 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हो हा हा जय जय करना बहुत आसान है, लेकिन देश की या भगवान की वैसे चिंता करना और उसके लिए वैसे रोना जैसे एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ कर रोती है, ऐसे लोग तो करोड़ों में एकाद होते हैं। दिखावे का राष्ट्रवाद तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन राष्ट्र की चिंता करने के लिए घर छोड़कर लोगों के यहां आने जाने वाले लोग तो बहुत थोड़े से होते हैं। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं कि आप एक राष्ट्रवादी संत को सुनने के लिए आए, नहीं तो आप आनंद के कार्यक्रम में भी जा सकते थे। या आप लोग की मानता प्रभु को जरूर आपको कोई विशेष आशीर्वाद देना होगा जो उसने आपको अपनी बैठक में बुला लिया। स्वामी जी वर्षों से नहीं सोए, बहुत काम करने की वजह से, और उनको बरसों तक तो खाना ही नहीं मिला, पानी नहीं मिला, चलना बदस्तूर जारी रहा, खाना मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, ओवर एग्जर्शन की वजह से वो बहुत बीमार पड़ गए। अब स्वामी जी सब लोगों से कहने चाहते थे, अब मैं कहने लगे थे कि अब मैं गहरी नींद सोना चाहता हूं। अब ज्यादातर वक्त वो आश्रम में ही अपने बिताते थे। एक उनके पास कुत्ता था बाघा नाम का, और हंसी नाम की एक बकरी थी, तोते, एक गाय का छोटा सा बछड़ा था, मातृ नाम था उसका, उसके साथ वो खेलते रहते थे। उनको कुत्ता इतना प्रिय था कि उनके साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भी जाता था और सुबह गंगा स्नान करने भी जाता था। सन्यासी है ना, हृदय पवित्र है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भेदभाव ही नहीं, इतना प्यार। मैं आपको क्या बताऊं, बकरी का जब दूध निकालते थे चाय में डालने के लिए, बकरी के दूध की चाय पीते थे, तो जब वो दूध निकालते थे तो बकरी से पूछते थे, दूध निकाल लूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे उसको, इतना प्यार, इतना प्यार। सोच सकते हैं कितनी बड़ी सेलिब्रिटी था वो दुनिया की, और बकरी के सामने बैठा होता था चाय का कप लेके, दूध दे दे मेरे, दूध दे दे माँ, दूध ले लूं थोड़ा सा, ऐसे करके। बड़े ही व्यक्तित्व में बड़ी सरलता होती है, थोटा चना भाजे घना, बड़े व्यक्तित्व बहुत सरल होते हैं। इसी प्रकार से खेलते कूदते उनका समय गुजर रहा था कि अचानक एक दिन हाथ पैरों में बहुत सूजन आने लगी। डॉक्टर आए और बोले, आपको ड्रॉप्सी हो गई है। आजकल भी ड्रॉप्सी होती है सरसों का खराब तेल खाने से, नकली तेल जो सरसों का होता है उसे खाने से होती है, और ये जानलेवा सिद्ध होती है। आजकल तो फिर भी बहुत दवाइयाँ हैं, तब दवाइयाँ नहीं थी। कहते हैं कि आपको ड्रॉप्सी हो गई है और आपको बहुत आराम करने की जरूरत है, किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, इसलिए अब आपको पानी नहीं पीना है, एक बूंद भी पानी की नहीं आपके गले के नीचे उतरनी चाहिए कई कई दिनों तक, आपके शरीर में इतना पानी भर चुका है। जैसे सरल स्वभाव, हाँ ठीक है। किसी ने उनसे पूछा, बिना पानी पिए कैसे रहेंगे, बोले शरीर को तो जो चाहिए, देखिए जाते जाते कितना बड़ा सूत्र दे रहे हैं, आप सुनिए इसे ध्यान से, शरीर को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। आज के बाद मस्तिष्क में पानी नाम की कोई चीज लाऊंगा ही नहीं, शरीर को उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, कितना बड़ा सूत्र है। योग ऐसे ही नहीं होता है साहब, योगी कोई ऐसे नहीं बनता है,
जिस पर कुछ नहीं है वो बड़ा आधार बनाकर दिखा दे, ये कोई बहुत छोटा काम नहीं होता है, इसके लिए बहुत बड़ा विचार और निरंतर अभ्यास चाहिए। बोले मैं सोचूंगा ही नहीं पानी के बारे में, जब मैं सोचूंगा ही नहीं तो मुझे शरीर में पानी की आवश्यकता ही नहीं होगी। यार ऐसा हुआ, एक बूंद पानी लिए बिना वो रहे। फिर पशु पक्षियों के साथ खेलना उनका अनवरत जारी था। एक व्यक्ति ने कहा आप थोड़ा आराम किया कीजिए, तो उसकी तरफ देख के हंस के कहते माय सन देयर इज नो रेस्ट फॉर मी, मेरे पुत्र मेरे लिए आराम जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन उन दिनों में उनकी आंख से आंसू बहते थे और वो बहुत दुखी हो जाते थे। पता है क्यों? उन्हें घेरे रहने वाले हजारों लोग जो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कोई पुत्रवती हो गया, कोई संपत्तिवान हो गया, कोई कुछ हो गया। संत का तो आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, आप लोग इस आप में से शायद कुछ लोग इसकी महत्ता समझते हो। संत का आशीर्वाद मतलब वो काम अब शिव भी करके देंगे तुमको, चाहे उन्होंने तुम्हारी किस्मत में लिखा हो या न लिखा हो। संत का आशीर्वाद तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे सारे लोग अब दिखाई नहीं देते, बस थोड़े से लोग हैं जो उनके काम कर रहे हैं, थोड़े से लोग, और उसमें से एक बड़ी जमात विदेशियों की है। इस बात से बहुत रोते थे, लिटरली रोते थे, लिटरली आंखों से आंसू आते थे, पकड़ पकड़ के रोते थे कि मेरे वो सारे लोग आज कहाँ हैं, मेरे काम। और वो ये मेरे काम ये नहीं कि कोई उनके पैर दबाए, कोई उनका काम उस तरह से, वो सेवा किसी से नहीं लेते थे, दो तीन लोग थे बस वही उनकी सेवा करते थे। मेरे काम मतलब पढ़ाने का काम करो, सेवा का काम करो, वेद वेदांत पर लिखो आदि आदि। ये लोग सब चले गए क्योंकि अभी इन्हें पता है ये मरने वाला है, उसे छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें मैं नहीं चाहिए था, उन्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए था। वो उन्हें मिल गया, उनका काम हो गया, वो मेरे पास क्यों रहेंगे, वह चले गए, वह सब छोड़कर चले गए। इस बात से वो बहुत दुखी रहते थे। 3 तारीख थी, 3 जुलाई। सारे शिष्यों को अब वो छोड़ नहीं रहते, अपने पास बिठाते थे, बैठो बैठो, कोई जाता है तो बैठो। शिष्यों को खुद वह खाना परोस कर खिला रहे हैं, शिष्यों को वह खाना परोस कर खिला रहे हैं, शिष्यों को वह साधना सिखा रहे हैं, शिष्य को वह श्वास लेना सिखा रहे हैं। वह राजयोग जानते हैं और वह राजयोग का अभ्यास जल्दी 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 करा रहे हैं। उच्च कोटि का व्यक्ति हमेशा सुपात्र को देकर जाता है, कभी अपने साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन कुपात्र को कभी नहीं देना चाहिए और वह कभी नहीं देगा। उन्हें वह सब सिखा रहे हैं। उसके बाद वह थक गए, लेट गए। योगी की हर चीज भिन्न होती है, प्राण पखेरु होने का एक निश्चित तरीका होता है। यहां से प्राण को खींचा जाता है, खींच के बहुत तेजी से खींच के यहां से निकाल दिया जाता है। 4 जुलाई आ गई, जाना था। योद्धा सन्यासी को अब जाना था, लेटे और बहुत गहरी सांस ली। यहां हमारे प्राण होते हैं, अगर यह स्थान आपने ध्यान से मजबूत कर लिया तो आप अपनी आयु को बलि कर सकते हैं। बहुत गहरी सांस ली उन्होंने, बहुत गहरी सांस लेने के बाद बस 1-2 झटके शरीर शांत। सब लोग देखे, अब शायद कुछ बोलेंगे, स्वामी अब कुछ बोलेंगे, अभी किसी का मजाक उड़ाएंगे, अभी किसी को ये डांटेंगे। हल्की सी जुम्बिश यहां होती है, बस अब कुछ नहीं होता। और फिर थोड़ा सा रक्त उनकी नाक से निकलता है। इसके बारे में योग संहिताओं में लिखा हुआ है कि योगी सदैव अपना प्राण खींचता है
और उसे ब्रह्म स्थान से निकाल देता है। इसकी वजह से रक्त ऊपर चला आता है और उसकी नाक से या कान से दो बूंद रक्त टपकता है। ये योगियों के प्राण छोड़ने की विधि है और आज भी ऐसे ही होता है। मैंने कितने योगियों को देखा, वो कहते हैं कि बस ठीक है, अब हो गया, अब जमीन पर लेट जाते हैं और इसी तरीके से सांस को खींचेंगे, भ्रुकुटी तनेगी, बहुत एकदम खिंच जाएगी और फिर एकदम चेहरा शांत हो जाएगा और शरीर उनका शांत हो जाएगा चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ, और यहाँ दो बूंद रक्त दिखाई देगा सिर्फ। ऐसा उनके साथ हुआ। यह आनंद 10:09 पर हुआ। आनंद है, गया अपने परम माता परम पिता की गोद में जहां से वो आया था। हमारे को ये याद दिलाने आया था कि हम कौन हैं। और अपनी बात भी ठीक कर दी कि मैं बूढ़ा होकर नहीं बनूंगा भाई। 40 का आदमी बूढ़ा होने लगता है, बूढ़ा होना मंजूर नहीं है। मैं हमेशा जवानों की तरह रहूं, खिलाड़ियों की तरह रहूं, मैं वैसे ही रहूंगा साहब, अधेड़क मुझे कोई ना कहे। सिस्टर निवेदिता वही है, पंखा चल रही है, फिर उनके शरीर को धरती पर उतार लिया जिसने इस धरती को आसमान पर पहुंचा दिया। अंततोगत्वा वह धरती पर आ ही गया क्योंकि उसके उसको पंचतत्व में विलीन होना है। लोग दहाड़े मारकर रो रहे हैं। सिस्टर निवेदिता की बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी तरह सर पटक पटक के रो रही हैं। इनको ले जाते हैं, इनके जानवर इनके साथ हैं और कोई पकड़ा हुआ नहीं है उनको। एक अजीब सी घटना होती है। सिस्टर निवेदिता उनसे हमेशा पूछती रहती थी कि मुझे क्या करना है, मुझे आदेश दीजिए, और वो बाहर जाके स्वामी जी के शिक्षा कार्यों को करती थी। बीमारी की सुनकर वो वहां आ गई थी। अब जब वो जा रहे थे तो अधूरी बात थी, वो पछाड़े मार रही थी। तभी क्या हुआ, स्वामी जी के पास एक चमकीला सा कपड़ा रहता था, वो न जाने कहां से उठता हुआ सिस्टर निवेदिता के पास आके गिर गया। रिकॉर्डेड है, बहुत सारे लोगों ने इसको देखा। सिस्टर निवेदिता ने उसको आदेश माना, उसके बाद वो दार्जिलिंग चली गई, वहाँ से कभी नहीं आई। वहाँ उन्होंने स्वामी जी का कार्य करते करते अपने प्राण त्याग दिए। अपने गुरु के 16 साल बाद वहीं उनकी अंत्येष्टि हुई और वहीं उनकी समाधि आज मंदिर के रूप में परिणत है। कभी नहीं हारा, उत्तिष्ठित जागृत। जाते जाते जो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बीच हूं, तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। अपने गुरु भाइयों से कह रहे थे, तुम्हें दिशा दूंगा। अभी तो काम खत्म कहां हुआ है, अभी तो काम बचा हुआ है, इसलिए अभी तो मैं और रूप धर कर आऊंगा, अभी तो और विवेकानंद आएंगे, अभी तो बहुत काम करना है, मैं इस जन्म में भी ये कुछ अधूरा काम छोड़कर जा रहा हूं। शायद वो आते हूं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिस देश को खड़ा करने में उस व्यक्ति ने 39 साल में 31 रोग लगाए, उसकी अपेक्षाओं पर खरे ना उतरे तो कम से कम उतना जरूर उतरे कि वो रोए ना जैसा कि अंतिम दिनों में वो रोया।
और वो जब उगाते थे, चलो मन घर, चलो मन घर, चलो मन आज ही अपने छोड़ के मनोहारी कांच के सपने, चला गया अपने घर। ईश्वर आज के दिन हमें वो सद्बुद्धि दे कि हम